Hello everyone. So today I am here with a requested video. I am today going to explain you a chapter, The Tale of a Tale, from your English reader class 5. So this is a chapter taken from a book written by R. K. Narayan. Name of the book is Swami and Friends. And the place where the entire chapter and the happenings are going on, it takes place, is a village named as Malguri. Malguri is an imaginary, a fictional place. There is no such place known as Malguri in reality. So now I will explain you the name of the chapter that is, the tale of a tale. See, there are two words tale with same pronunciation but with a different meaning what does the first tale that is tale means tale is a fictional or imaginary story there is no reality in a tale so this is a fictional or imaginary story of a tale T-A-I-L which is a body part hindi mein तो एक पूछ की कहानी है काल्पनिक कहानी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है ओके सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ अ बॉय हुज नेम इज़ स्वामीनाथन हुज एज इज आई थिंक ही इज ऑफ योर एज ही इज ऑल्सो इन क्लास फाइव सो दिस इज अ सीन ऑफ हिज क्लास रूम ऑफ हिज स्कूल वेन ही एंटर्स हिज क्लास रूम सडनली ऑल द स्टूडेंट स्टार्ट गिगलिंग वट यू मीन बाई गिगल गिगल का मतलब होता है धीरे से हंसना या खिल्ली उड़ाना तो जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर करता है सब बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं उसको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है वो अपनी सीट पर जाता है और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखता है कि माजरा क्या है उसको नहीं समझ आता फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है ब्लैक बोर्ड पर जिस पर एक वर्ड लिखा होता है टी ए आई एल टेल और एक पूँछ की ड्राइंग बनी होती है उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है ही फील्स एम्बेरसमेंट एम्बारसमेंट इज़ जब आपको शर्म आए, यू फील अशेन्ड ओके और उसको वो शर्मिंदगी क्यों हो रही है क्योंकि उसको पता है कि वो वर्ड जिसने भी लिखा है तेल, वो स्वामीनाथन के लिए ही लिखा गया है और सारे बच्चे हो ना हो स्वामीनाथन की ही खिल्ली उड़ा रहे हैं इसलिए उसको बहुत एम्बारसमेंट फील होती है अपनी इस एम्बारिसमेंट के चक्कर में वो तुरंत अपने फ्रेंड पी के पास जाता है और उसको खींच के थप्पड़ लगाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये ब्लैकबोर्ड पर ड्राइंग पी ने बनाई है फिर वो शंकर की तरफ देखता है वो भी उसका ही एक फ्रेंड है उसको लगता है कि शायद शंकर ने ये ड्राइंग बनाई होगी शंकर अपने किसी काम में बिज़ी है बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड है तभी अचानक से वो उसके ऊपर उसको भी एक थप्पड़ लगा देता है और जैसे ही वो शंकर और पी को थप्पड़ लगाता है तीनों में लड़ाई छिड़ जाती है और क्लास में एक पैंडेमोनियम की सिचुएशन शुरू हो जाती है पैंडेमोनियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब खूब शोर शराबा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि स्वामीनाथन को ये नहीं पता कि ब्लैक बोर्ड पर उसका मजाक किसने उड़ाया है तेल किसने लिखा है पीने या शंकर ने और गुस्से में आकर वो दोनों को ही थप्पड़ लगा देता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो क्लास में एक पैंडेमोनियम का माहौल छिड़ गया है तीनों आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं मार रहे हैं कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं तो दिस इज़ अ पैंडेमोनियम सिचुएशन जैसे ही उनकी लड़ाई चल रही होती है तभी पीरियड की बेल बज जाती है और उनके टीचर क्लास में एंटर करने वाले होते हैं बच्चों उनके तमिल टीचर तमिल पंडित का पीरियड होता है तो जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि क्लास में तो इतनी शॉकिंग हालत है वो हैरान रह जाते हैं दरवाजे पर खड़े खड़े और उसी वक्त राजम सोमू और मनी भी क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर जो है वो हैरान होकर देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है क्लास में इतना शोर शराबा हो रहा है तो सोमू और मनी क्या करते हैं फाइटर्स को अलग अलग करते हैं फ़ाइटर्स कौन कौन है यहाँ पर इस वक्त स्वामीनाथन शंकर और पी तीनों लड़ रहे हैं तो सोमू और मनी उन तीनों को अलग अलग करके उनकी लड़ाई रोकते हैं तभी सोमू टीचर से कहता है कि सर हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं और मनी पहले ही क्लास से बाहर जा चुका है जो उनके सन तमिल के टीचर थे वो उनके सबसे काम और कम्पोज बहुत ही शांत टीचर थे स्कूल के और उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आता था वो अपने इमोशंस अपना गुस्सा एकदम से जल्दी से शो नहीं करते थे उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो पांच जो बाहर चले गए मनी पहले ही जा चुका था बाकी के चारों भी चले गए राजम नहीं गया राजम क्लास में ही रुका रहा तो क्लास से बाहर कौन कौन चला गया स्वामीनाथन शंकर पी सोमू और मनी ठीक है तो सारे के सारे एक एक करके क्लास कर से बाहर चले जाते हैं एक्सेप्ट राजम वो सारे फ्रेंड्स स्कूल के पास एक खाली मैदान में इकट्ठा होते हैं थोड़ी देर तक तो शांति रहती है फिर मनी बोलता है तुम लोगों को हो क्या गया था इतनी बुरी तरह से क्यों लड़ रहे थे तो तीनों अचानक ही बोलना शुरू हो गए अपने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू हो गए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है रोग्स रोग्स का मतलब यही होता है जो बंदा बदतमीज़ी से बात करे बैडली बिहेव करे एक चीट की तरह हालांकि यहाँ पर चीटर की बात नहीं हो रही है क्योंकि सारे ही दोस्त हैं तो मनी हैरान है कि ये तीनों दोस्त आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ क्यों रहे थे ऐसा क्या हुआ हमारे आने से पहले कि तीनों लड़ रहे हैं स्वामीनाथन सबसे ऊंची आवाज में बोला ये जो पी है ना इसने मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पर मुझे चढ़ाने के लिए बिग टेल बनाई थी ब्लैक बोर्ड पर और मेरे नाम और लिखा था ऊंच पी ने कहा मैंने नहीं किया था ये ये तो उसने किया था थन पॉइंटिंग एट शंकर फिर उसने शंकर की तरफ इशारा किया स्वामी ने कि नहीं, नहीं शंकर ने लिखा था टेल पर। फिर शंकर गुस्सा हुआ तो क्या तुमने मुझे देखा था ब्लैक बोर्ड पर टेल लिखते हुए जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो इस तरह से दोबारा उनकी बहस छिड़ जाती है मनी ने किसी तरह से शंकर और पी के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप किया फिर मनी ने पूछा कि तेल होता क्या है स्वामीनाथन ने सुबकते सुबकते मतलब सुबकना जब रोते रोते आप बोलते हो और रोने की आवाज निकालते हुए आप बोलते हो उसे सुबकना कहते हैं उसने कहा कि ये सब मुझे राजम की तेल कहकर पुकारते हैं और चिढ़ाते हैं अब ये बात तो सब जानते ही थे कि मनी और राजम में बहुत गहरी दुश्मनी थी इसलिए राजम का नाम सुनकर मनी का फेस एकदम जम गया उसके फेस पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं था होगा भी तो सिर्फ गुस्से का फिर उसने मनी ने पूछा कि यहाँ पर किसी की हिम्मत कैसे हुई राजम का नाम लेने की मनी को बहुत गुस्सा आया उसने कहा और ठीक है यार अगर तुम दोनों में से पी और शंकर में से किसी ने ये लिखा भी है ब्लैक बोर्ड पर किसने लिखा है तो मनी को देखकर गुस्से में शंकर और पी तो डर के मारे दे स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग ट्रेंबलिंग मींस थरथर कांपना थरथर आप दो केसेस में कांपते हो बच्चों जब आपको ठंड लग रही हो वेन यू आर फीलिंग कोल्ड और वेन यू आर इन फियर वेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन जब आप किसी से बहुत बुरी तरह डर रहे हो तब आप कांपते हैं तो अभी फिलहाल वो मनी से डरकर कांप रहे थे तो सोमू ने बोला इफ दे हैव, व्हाट कैन यू डू सोमू मनी से पूछ रहा है कि अगर इन दोनों ने टेल लिखा भी है ब्लैक बोर्ड पर तो तुम क्या कर लोगे विद सर्कास्टिक स्माइल सर्कास्टिक होता है टोंटिंग वे में जब आप बोलना कुछ चाहते हो और उसका ऑपोजिट बोल रहे होते हो उसे सरकास्टिक कहते हैं स्माइल के साथ क्योंकि उसे पता है कि मनी की दुश्मनी है राजून से और वो राजम का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाएगा तो इसलिए उस वो उसको और उकसा रहा है गुस्से में कि अगर इन दोनों ने ने टेल कहा भी है तो तुम क्या कर लोगे मनी गुस्से में पूछा यू मीन सोमू तुम कहना क्या चाहते हो तो सोमू ने उसको फिर क्लियरली अपने मन की बात बताई कि लुक है मनी मैं ये बात तुमसे बहुत लंबे टाइम से कहना चाह रहा था पर कभी मौका नहीं मिला मगर आज कहता हूं कि तुम मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बहुत बनते हो तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं ये सुनकर मनी को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और सोमू के गर्दन पे मारने की कोशिश की सोमू ने उसे हटा दिया झटके से और उसके वार से बच गया फिर मनी ने दोबारा एक किक उठाई और सोमू को तरफ एम करी मारने के लिए मगर वो साइडों के हट गया और उसकी किक उसको नहीं लग पाई अब बाकी के तीनों कौन कौन शंकर पी और स्वामीनाथन तीनों हैरान हो गए क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो गई थी सोमू और मनी के बीच में और उन्हें हैरानी हो रही थी ये देखकर कि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे और आज बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई कैसे शुरू हो गई क्या ये दोनों पागल हो चुके हैं दे हैड लॉस देयर हेड्स मतलब दिमाग ख़राब हो गया है इन दोनों का उन्हें लग रहा था कि सोमू और मनी तो आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं उन्होंने एक दूसरे को तरफ देखा शंकर पी और स्वामीनाथन ने और अचानक स्कूल की तरफ दौड़े हेडमास्टर को बुलाने और उनकी लड़ाई रुकवाने वो तुरंत हेडमास्टर के कमरे में पहुंचे और एकदम से बोला कि सर आज तो दो मर्डर हो ही जाएंगे आपके स्कूल में जल्दी से चलिए पहले तो हेड मास्टर को ये मजाक लगा और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे लेकिन फिर बच्चों के फेस पर जो सीरियसनेस थी उसे देखकर वो सोच में पड़ गए यानी स्क्रैचड हिस्सचिन्ह स्क्रैच हिस्ट चिन यानी कि सोचना फिर उन्होंने पियून को बुलाया और पियून को अपने साथ लेकर उन तीनों बच्चों के साथ वहीं पहुंच गए मैदान में जहाँ पर सोमू और मनी की लड़ाई चल रही थी वो तीन वो दोनों आपस में लड़े जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे इधर उधर बुरी तरह से लड़ाई चल रही थी हेडमास्टर और पी ने उन दोनों को पकड़ के अलग किया उनकी लड़ाई रुकवाई लेकिन ये लड़ाई रुकवाना देख कर स्वामीनाथन तो एस्टोनिश रह गया एस्टोनिश्ड का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सोमू और मनी जितनी ताकत तो दुनिया में किसी के पास नहीं है और आज हेडमास्टर और सोमू और पियोन ने अगर उठाकर इन दोनों को अलग कर दिया इसका मतलब हेडमास्टर और पियोन के अंदर तो सोमू और मनी से भी ज्यादा ताकत है वो ये सोचकर हैरान हो गया कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है दुनिया में बस इस तरह से उन बच्चों की लड़ाई रुक जाती है चुपचाप वो पांचों बच्चे कौन कौन स्वामीनाथन शंकर पी सोमू और मनी हेडमास्टर के साथ उनके रूम की तरफ जाते हैं और यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है इसके बाद क्या हुआ वो स्टोरी में मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक पूरी स्टोरी नहीं है बेटा ये एक नावल के अंदर से एक पीस एक्सट्रैक्ट किया गया है चैप्टर फोर में से आई गेस ये एक नावल है स्वामी एंड फ्रेंड्स के नाम से जिसे आर के नारायण ने लिखा है ठीक है और इसमें राजम की टेल कहकर स्वामीनाथन को क्यों चढ़ाया जाता है क्योंकि इस राजम जो है वो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का बेटा है तो वो बहुत ही अच्छे बड़े ऊंचे परिवार से आया है अच्छी फैमिली से आया है और बहुत ही वेल ड्रेस्ड और वेल मैनर्ड बॉय है बहुत ही अच्छे से रहता है और उसके स्वामीनाथन के बाकी पुराने सारे फ्रेंड्स को ये लगता है कि अब इसका नया दोस्त बन गया है तो शायद ये अब हम पुराने दोस्तों को भूल जाएगा वो सब जेलसी में आकर उससे जलन के मारे उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं और उसको चिढ़ाते हैं कि इसकी इससे नई नई दोस्ती हुई है और वो क्योंकि वो पुलिस वाले का बेटा है इसलिए ये उसकी पूँछ बन के घूमता रहता है सारा दिन इसलिए वो लोग स्वामीनाथन को राजम की पूछ कहकर चिढ़ाते थे ये इसका बैकग्राउंड है जो इस स्टोरी में नहीं लिखा लेकिन जिन लोगों ने ये नॉवल पढ़ी है उन्हें पता है कि स्वामी को राजम की पूंछ कहकर क्यों चढ़ाया जाता है ठीक है अब आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ आ गई होगी चलो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ